हल्द्वानी में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मंदिरों में देखने को मिली। सुबह से देर तक मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शहर के विभिन्न मंदिरों में जन्माष्टमी के मौके पर भजन कीर्तन और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन करने वालों की भीड़ देखी गई। रात के 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव हुआ। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक बहुत ही पवन त्यौहार है जिसमें हम बचपन से हम बच्चे जब थे हम राधा कृष्ण बनते थे, झांकियां जाते थे, कृष्ण भगवान को पूछते हैं। आज हम अपने बच्चे को इस मौके पे कान्हा बना के लाई, हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारी ज़िंदगी में ये दिन आया और आगे भी हम सबको ये जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर शहर में, गांव में, गली गली में और यहाँ पर एक हिम्मतपुर तल्ला में भव्य मंदिर है जिसको त्रिमूर्ति मंदिर के नाम से सब लोग जानते हैं। और विगत कई वर्षों से कम 20-25 साल से यहाँ पर जब से मंदिर की स्थापना हुई है, बच्चे अपने बच्चों को माताएं अपने कान्हा बना करके, गोपी बनाकर यहाँ पर लाते हैं और सुंदर सुंदर तो ये हमें अपनी संस्कृति की याद दिलाते हैं। जो आज के बच्चे हैं, हमारे भगवानों के प्रति हमारे क्या प्रेरणाएं उनको मिलती है, तो ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर होते रहें तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और हमारी संस्कृति को जीवंत रूप प्रदान। सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज हमारे यहाँ पे भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हम लोग इस उत्सव को मनाते हैं जिसमें कि आधी रात में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। और आज हमारे यहाँ पे सारे त्रिमूर्ति मंदिर में सभी लोग इकट्ठा हो गए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे राधा कृष्ण बन के आए हैं और एक कृष्ण मेरी गोदी में भी है। तो सभी को इस त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जन्माष्टमी का ये हम इस त्रिमूर्ति मंदिर में विगत 10-15 वर्ष से मनाते आए हैं। खास तौर पर ये हमारे हिंदुओं का विशेष त्यौहार है। इसमें राधा और कृष्ण ही हमारे इस बच्चों का हौसला भी बढ़ाते हैं, ये बच्चे आगे बढ़ते भी हैं। हर किसी के माता पिताओं से मेरा यही निवेदन है कि अपने बच्चों को यहाँ राधा कृष्ण बना करके लाएं और यहाँ पर और आगे अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों का हौसला आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे भगवान कृष्ण ने अपनी नैया पार कराई थी, उस हिसाब से हमारे सारे सबके माता पिता सबके बच्चों की नैया जो पार होगी। कृष्ण जन्माष्टमी का ये विशेष अवसर है।